हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस, जहां पे हम बहुत डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस देखेंगे, जैसे कि हब, राउटर, ब्रिजेस, स्विच, गेटवे एक्सेट्रा। ये लेक्चर नंबर 9 है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज का, और ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप बी कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये लेक्चर आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। ये नेटवर्किंग डिवाइस क्या कहलाते हैं? तो नेटवर्किंग डिवाइसेस आर वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर, प्रिंटर एक्सेट्रा टू अ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस ऐसे हार्डवेयर डिवाइस हैं जिनका हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को, प्रिंटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, जिससे हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकें और डेटा ट्रांसफर कर सकें। इसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं हब का, गेटवेज का, राउटर का, रिपीटर, ब्रिज और स्विचेस का। ये सारे हमारे कहलाते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। इसके अलावा दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। पहला कंपोनेंट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम इसको हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जानते हैं, जैसे कि निक कार्ड, इथरनेट कार्ड, लैन कार्ड, नेटवर्क कार्ड, या फिर नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड, NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट या टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कई नामों से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है हमारा वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड भी हमारा एक निक कार्ड की तरह ही होता है, बस अगर हमें रिमोट लोकेशन में एक नेटवर्क फॉर्म करना है या फिर वायरलेस कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें वाईफाई कार्ड की जरूरत पड़ती है। ये दोनों कार्ड का हम बेसिकली यूज करते हैं अगर हमें किसी मशीन को या फिर किसी कंप्यूटर या सिस्टम को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा तो हमें सबसे पहले जरूरत होगी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की और वाईफाई कार्ड की। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि ये कार्ड हमें क्यों जरूरत पड़ती है। अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम किसी मशीन को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी मान लीजिए हमें एक लैन फॉर्म करनी है, तो लैन में जितने भी डिवाइसेस हैं उनको किस कार्ड की जरूरत होगी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर वाईफाई कार्ड की। अब अपन डिटेल में देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम बहुत डिफरेंट नाम से जानते हैं, इथरनेट कार्ड, नेटवर्क कार्ड, लैन कार्ड, लैन एडॉप्टर कार्ड, नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड, या फिर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट और टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। तो ये डिफरेंट नाम है हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के, और इसका यूज किया जाता है किसी भी सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, जिससे वो सिस्टम नेटवर्क के जितने भी डिवाइसेस हैं उनसे कम्युनिकेट कर सके और डेटा को शेयर कर सके। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कुछ इस तरीके के दिखते हैं। जो हमारे पुराने कंप्यूटर सिस्टम थे उनमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करने पड़ते थे, यानी हमें उन्हें मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम आए उसमें ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑलरेडी एक हार्डवेयर कॉम्पोनेंट की तरह इनबिल्ट होते हैं सिस्टम के अंदर। और ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं वो बेसिकली एक फिजिकल और डेटा लिंक लेयर डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। अगर आपने OSI मॉडल पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि फिजिकल लेयर क्या होती है, डेटा लिंक लेयर क्या होती है। OSI मॉडल की फर्स्ट टू लेयर हैं ये फिजिकल और डेटा लिंक लेयर। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो हमारा एक फिजिकल और डेटा लिंक लेयर डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किसी भी नेटवर्क में या किसी भी लैन में, जिससे सारे डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ फिजिकल और डेटा लिंक लेयर डिवाइस यूज बाय कंप्यूटर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ अदर डिवाइसेस ऑन अ लैन।
जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं उसमें एक 6 byte का एड्रेस लिखा होता है, जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, या इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं डिवाइस का। जब हम इस कार्ड को किसी भी डिवाइस के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये जो मैक एड्रेस है उससे हम उस डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैक एड्रेस बेसिकली हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस का एक नेटवर्क के अंदर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में मान लीजिए 50 घर हैं। 50 घर में हर घर को हम एक नंबर अलॉट करते हैं उस घर को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी तरीके से एक लैन के अंदर जितने भी डिवाइस हैं, हर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनको एक एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। और ये मैक एड्रेस कहाँ लिखा होता है? हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, जिसे हम लैन कार्ड या फिर इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। यहाँ पे यही लिखा है, इट इज ए हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ये एक हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है नेटवर्क के अंदर। मैक एड्रेस 6 byte का एड्रेस होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि ये 6 byte का इस टाइप का एक एड्रेस होता है, 8B5B32344 इस टाइप का एक नंबर लिखा होता है। यही हमारा 6 byte का मैक एड्रेस होता है जो हमारे डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क के अंदर। और इसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, यानी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस क्या कहलाता है? मैक एड्रेस। मान लीजिए हमारे नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस हैं और एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड करना है, तो वो कैसे सेंड करेगा? वो सेंड करेगा इस मैक एड्रेस की हेल्प से, यानी इस फिजिकल एड्रेस की हेल्प से। मैक एड्रेस बेसिकली हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। अब नेक्स्ट है वाईफाई कार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाईफाई कार्ड बिल्कुल हमारे निक कार्ड की तरह काम करता है, बस अगर हमें कोई वाईफाई लैन कनेक्ट करनी है तो उसमें डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए आपस में हम वाईफाई कार्ड का यूज करते हैं। इसमें हम वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए डिवाइस के बीच में इस टाइप के वाईफाई कार्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे ये एक एंटीना लगा होता है, इसमें भी एक 6 byte का मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस लिखा होता है जो कि हमारे निक के मैन्युफैक्चरर असाइन करते हैं एक यूनिक फिजिकल एड्रेस हर कार्ड के अंदर, जिससे हम जिस भी मशीन में इस कार्ड को इंसर्ट करें उस मशीन को हम इसी फिजिकल एड्रेस से आइडेंटिफाई करें। अब अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप के इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। तो उसके पहले आपको OSI मॉडल पता होना चाहिए। OSI क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। हर जो डिवाइस है आपका इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है वो डिफरेंट लेयर में OSI मॉडल की ऑपरेट होता है, जैसे कि हब और रिपीटर ऑपरेट होते हैं फिजिकल लेयर में OSI मॉडल के, स्विच और ब्रिजेस ऑपरेट करते हैं डेटा लिंक लेयर में OSI मॉडल की, राउटर और लेयर 3 स्विचेस ऑपरेट करते हैं नेटवर्क लेयर में OSI मॉडल की, और गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी लेयर में OSI मॉडल की ऑपरेट कर सकता है। तो बेसिकली जो OSI मॉडल होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं और ये जो डिवाइस हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर लेयर में ऑपरेट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डिवाइस किस लेयर में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं रिपीटर। सबसे बेसिक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है हमारा रिपीटर। रिपीटर आर द नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। अभी मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल लेयर होती है OSI मॉडल की उसमें 2 डिवाइस आपके काम करते हैं, रिपीटर और हब। तो रिपीटर हमारा इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है जो ऑपरेट करता है OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में, और इसका यूज किया जाता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए और रीजनरेट करने के लिए बिफोर इट गेट रीट्रांसमिटेड। जो भी हमारे सिग्नल रिसीव होते हैं हमारे रिपीटर को, उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके रीट्रांसमिट करने का काम करता है रिपीटर।
यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डिवाइस लगा है जिसे हम कहते हैं रिपीटर। ये जो रिपीटर है बेसिकली उसका फंक्शन है नेटवर्क के रेंज को एक्सटेंड करना। रेंज कैसे एक्सटेंड होगी, मान लीजिए हमने कोई सिग्नल यहाँ से सेंड किया और ये सिग्नल जो है वो 50 किलोमीटर के बाद फेडअप हो जाएगा या वीक हो जाएगा, तो और डेस्टिनेशन 100 किलोमीटर पे लगा हुआ है तो वो सिग्नल हमारा 100 किलोमीटर तक रीच नहीं कर पाएगा। तो सिग्नल हमारा 100 किलोमीटर तक रीच करे उसके लिए हम बीच में क्या करेंगे, एक रिपीटर लगा देंगे। अब जब हमारा सिग्नल, वीक सिग्नल रिपीटर में पहुंचेगा 50 किलोमीटर में, तो रिपीटर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा या रीजनरेट करके फिर से रीट्रांसमिट कर देगा। इससे हमारे नेटवर्क की रेंज एक्सटेंड होती है। तो ये फंक्शन होता है रिपीटर का और रिपीटर एक फिजिकल लेयर डिवाइस है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा हब। हब बेसिकली एक फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर में यानी फिजिकल लेयर में दो डिवाइस वर्क करते हैं, हब और रिपीटर। तो हब हमारा एक फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस है विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन अ नेटवर्क, जिसका यूज किया जाता है मल्टीपल डिवाइस को यानी मल्टीपल कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। हब बेसिकली एक लैन नेटवर्क डिवाइस है यानी मल्टीपल कंप्यूटर को एक लैन में कनेक्ट करने के लिए हम हब का यूज करते हैं। हब बेसिकली एक मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है। यहाँ पे आप देखिए हब में बहुत सारे मल्टीपल पोर्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को या फिर मल्टीपल लैन सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। हब ब्रॉडकास्ट द डेटा। हब बेसिकली डेटा को ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। मान लीजिए हमारे पास हब में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं और एक लैन नेटवर्क हमने फॉर्म किया है। ये हमारा सेंडिंग डिवाइस है, बाकी के ये हमारे रिमेनिंग डिवाइस हैं। तो अगर हमारे सेंडिंग डिवाइस ने कोई डेटा पैकेट सेंड किया है तो हब क्या करेगा, उस डेटा पैकेट को रिसीव करेगा, उस डेटा की कॉपी करेगा और वो कॉपी हर डिवाइस को, जितने भी डिवाइस उससे कनेक्ट है उनको सेंड कर देगा। तो ये बेसिक फंक्शन होता है हब का। यहाँ पे देखिए सेंडर ने डेटा सेंड किया और हब ने उसको उसकी कॉपी की और सारे डिवाइसेस को वो कॉपी जो है डेटा की सेंड कर दी, बिना ये आइडेंटिफाई किए हुए कि उस डेटा पैकेट में किस पर्टिकुलर रिसीवर का एड्रेस लिखा है। हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा यानी जितने भी डिवाइस कनेक्ट है उन सबको डेटा पैकेट सेंड कर देगा। अब अपन देखते हैं हब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हब इज अ फिजिकल लेयर डिवाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक फिजिकल लेयर डिवाइस है। हब ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बिट। हब जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बिट के फॉर्म। नेक्स्ट है हब कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस। हब किसी भी प्रकार का मैक एड्रेस स्टोर नहीं करता। हब का बेसिकली यूज किया जाता है मल्टीपल डिवाइस को या फिर मल्टीपल लैन सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जिससे सारे डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट, हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट डेटा। हब हमेशा डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रॉडकास्टिंग क्या कहलाती है। अगर एक सेंडर ने कोई डेटा सेंड किया है और अगर हमारा हब उसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट करेगा और उस मल्टीपल कॉपी को जितने भी अदर डिवाइसेज उससे कनेक्ट है सबको सेंड कर देगा तो वो कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग। और हब हमेशा डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है बिना ये आइडेंटिफाई किए हुए कि उस सोर्स डेटा का पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कौन है। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। हब हमेशा हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में ऑपरेट करता है। हाफ डुप्लेक्स मतलब होता है केवल सिंगल साइड डेटा ट्रांसमिशन। आपने टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड पढ़े होंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेंडिंग डिवाइस है और ये हमारे पास एक रिसीविंग डिवाइस है। तो जब सेंडिंग डिवाइस डेटा सेंड करता है तो रिसीविंग डिवाइस केवल रिसीव करता है डेटा को। जब दूसरा डिवाइस, ये वाला डिवाइस डेटा सेंड करेगा तो फर्स्ट डिवाइस हमारा केवल रिसीव करेगा डेटा को, यानी केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है हाफ डुप्लेक्स मोड में। तो हब केवल हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ऑपरेशन को ही सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट है लैंड डिवाइस। हब इज अ लैंड डिवाइस। हब एक लैंड डिवाइस है, एक लैंड को क्रिएट करने के लिए या एक लैंड में प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए हम हब का यूज करते हैं। दो टाइप के हब होते हैं हमारे पास, एक्टिव और पैसिव हब। एक्टिव हब क्या कहलाता है और पैसिव हब क्या कहलाता है वो मैं आपको बताती हूँ। हब को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक होते हैं पैसिव हब और दूसरे होते हैं एक्टिव हब। पैसिव हब क्या होते हैं, ऐसे हब जो सिग्नल को बिना चेंज किए हुए सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर देते हैं और इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पैसिव हब अलाउ द सिग्नल टू पास्ट विदाउट एनी चेंज। बिना चेंज किए सिग्नल को सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचाने का काम करते हैं पैसिव हब, और दे डू नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे होते हैं एक्टिव हब। एक्टिव हब क्या करते हैं, जो भी सिग्नल उन्हें रिसीव हुआ है उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसके बाद ट्रांसमिट करते हैं, जिससे हमारे नेटवर्क की रेंज इंक्रीज हो जाती है और इस टाइप के हब को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये दो टाइप के हब होते हैं, एक्टिव हब जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट करते हैं, और पैसिव हब जो है वो सिग्नल को बिना कोई चेंज किए हुए एज इट इज रिसीव करते हैं, उसके बाद ट्रांसमिट कर देते हैं। अब अपन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं हब के। फर्स्ट इज एडवांटेजेस, एक्टिव हब रीजनरेट सिग्नल, इट इंक्रीज द रेंज ऑफ द लैंड नेटवर्क। एक्टिव हब क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी सिग्नल उन्हें रिसीव होता है सोर्स से उसको एम्पलीफाई करते हैं, यानी रीजनरेट करते हैं और उसके बाद ब्रॉडकास्ट करते हैं या सेंड करते हैं, जिससे हमारे लैंड नेटवर्क की रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाती है और एरर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हब का। दूसरा, हब कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड लोकली, देयर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवाइस दैट कैन अटैच टू द लैन। मैंने अभी आपको बताया कि हब जो होता है वो मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है, इसके थ्रू हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को या फिर मल्टीपल लैन सेगमेंट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक लैन में नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है हमारा हब। तो ये दोनों एडवांटेज हैं हब के। नेक्स्ट अपन डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज है, बैंडविड्थ इज शेयर्ड बाय ऑल द होस्ट। लैन से या हब से जितने भी होस्ट कनेक्ट होते हैं वो बैंडविड्थ को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 Mbps शेयर्ड बाय 25 पोर्ट, यानी अगर टोटल 10 Mbps की बैंडविड्थ है तो अगर उसमें 25 यूजर्स कनेक्ट हैं या 25 पोर्ट्स कनेक्ट हैं या सिस्टम कनेक्ट हैं, तो सारे सिस्टम उस 10 Mbps बैंडविड्थ को शेयर करेंगे आपस में, तो स्पीड जो है वो कम हो जाती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ाते जाओगे लैन नेटवर्क में हब का यूज करके, हमारे ट्रांसमिशन की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बैंडविड्थ कम होती जा रही है, बैंडविड्थ हमारी शेयर हो रही है हर डिवाइस में। नेक्स्ट है, हब इज नॉट सो सिक्योर एंड सेफ। हब क्या करता है, डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग के कारण क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंडर ने सेंड की, हब जितने भी डिवाइसेस लैन में कनेक्ट है सबको वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा। सबको सेंड करने के कारण हमारे डेटा की एथेंटिसिटी सिक्योरिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो हब सिक्योर भी नहीं है और सेफ भी नहीं है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज यही है, इट ब्रॉडकास्ट द डेटा पैकेट, ये डेटा पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है। नेक्स्ट है, हब कॉपिंग द डेटा पैकेट ऑन ऑल द इंटरफेस मेक इट स्लोअर एंड मोर कंजेस्टेड। हब क्या करता है, जितने भी डेटा पैकेट उसको रिसीव होते हैं सारे डेटा पैकेट की कॉपी करता है और फिर जितने भी डिवाइस उससे कनेक्ट है सबको सेंड कर देता है, जिससे जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन की स्पीड है वो भी कम हो जाती है और जो पाथ है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है हब के। नेक्स्ट है स्विचेस। स्विचेस आर ऑपरेट ऑन डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। स्विचेस OSI मॉडल की सेकेंड लेयर में वर्क करते हैं, जबकि हब और रिपीटर हमारे OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर यानी फिजिकल लेयर में ऑपरेट करते हैं। स्विच बिल्कुल हब की तरह होते हैं, बस दोनों में ये डिफरेंस है कि स्विच ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है एज कम्पेयर टू हब। हब हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, स्विच हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है।
हम जस्ट फॉरवर्ड द डेटा पैकेट। हब क्या करते थे अभी तक, केवल जो डेटा पैकेट हब को रिसीव हुआ उसको वो फॉरवर्ड कर देते थे या ब्रॉडकास्ट कर देते थे, जबकि स्विचेस क्या करते हैं, स्विचेस जस्ट फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग, विच इज मोर इंटेलिजेंट वे ऑफ डीलिंग द डेटा पैकेट। स्विच क्या करते हैं, जो भी डेटा पैकेट हमारे स्विच को रिसीव होगा उसको वो फिल्टर करेंगे, यानी जो भी डेटा पैकेट हमारे स्विच को रिसीव होगा उसके हेडर से वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का एड्रेस फाइंड आउट करेंगे और डेटा पैकेट को उसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को सेंड करेंगे। ये ज़्यादा इंटेलिजेंट वे होता है डेटा पैकेट से डील करने का। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक लैन है, इस लैन में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं। कंप्यूटर्स को एक लैन में कनेक्ट करने के लिए या फिर सेगमेंट्स ऑफ लैन को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम स्विचेस का भी यूज करते हैं, बस स्विचेस ज़्यादा स्मार्टली वर्क करता है हब से। इसमें भी मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिससे बहुत सारे डिवाइसेस या फिर मल्टीपल लैन सेगमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं। तो मान लीजिए स्विच ने हमारा एक डेटा पैकेट रिसीव किया, तो स्विच उस क्या करेगा, उस डेटा पैकेट के हेडर से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का एड्रेस फाइंड आउट करेगा और उस डेटा पैकेट को उसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को ही सेंड करेगा, जिससे हमारा डेटा कम्युनिकेशन फास्ट भी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है और डेटा ज़्यादा अच्छे से मैनेज होता है। जो कोलिजन होने के चांसेस या फिर क्राउड होने के, कंजेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और ये ज़्यादा सिक्योर वे है डेटा को ट्रांसमिट करने का। स्विचेस ज़्यादा सेफ होते हैं एज कंपेयर टू हब। तो यहाँ देखिए, स्विच ने डेटा पैकेट रिसीव किया और उसके हेडर की इंफॉर्मेशन पढ़ के यहाँ पे डेटा पैकेट को उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को सेंड कर दिया। तो ये काम होता है स्विचेस का। हब आर ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड रिप्लेस्ड बाय स्विचेस विच मैनेज डेटा पैकेट मोर एफिशिएंटली एंड ऑपरेट मच फास्टर। अब अपन कुछ फीचर्स देख लेते हैं स्विच के। जैसा कि अगर आपसे कहीं कोई पूछता है कि स्विचेस के बारे में लिखना है या आपको स्विचेस के फीचर्स पता होने चाहिए, तो स्विचेस ऑपरेट इन द सेकेंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की सेकेंड लेयर में स्विच वर्क करते हैं। स्विच आर मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन हब। हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस हमारा स्विच होता है। दोनों हमारे लैंड डिवाइसेस हैं लेकिन स्विच ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इट यूज मैक एड्रेस टू सेंड डेटा पैकेट टू ए सेलेक्टेड डेस्टिनेशन पोर्ट। स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस का यूज करता है डेटा पैकेट को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में सेंड करने के लिए, जबकि हब क्या करता है, हब डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, कोई भी मैक एड्रेस स्टोर नहीं करता। इट यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिवाइस। स्विच क्या करते हैं, पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक को, जो हम डेटा सेंड करने की जो मैंने आपको टेक्निक बताई, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्निक। और पैकेट स्विचिंग का यूज करता है हमारा स्विच किसी भी डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में। इट सपोर्ट यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। स्विच हमारे यूनिकास्ट ट्रांसमिशन को भी सपोर्ट करते हैं। यूनिकास्ट मतलब हुआ 1-to-1 ट्रांसमिशन। एक सेंडिंग डिवाइस ने डेटा सेंड किया, स्विच ने एक ही पर्टिकुलर डिवाइस को डेटा सेंड कर दिया। ये मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को भी सपोर्ट करते हैं। स्विच में ट्रांसमिशन होता है फुल डुप्लेक्स मोड में। फुल डुप्लेक्स मोड, आपको अगर आपको ट्रांसमिशन मोड पता होंगे तो आपको हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स दोनों समझ में आ रहा होगा। हाफ डुप्लेक्स के केस में क्या होता है, वन वे ट्रांसमिशन होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेंडिंग मशीन है ए, ठीक है, ए नाम दे देते हैं सेंडिंग मशीन का, और दूसरी सेंडिंग मशीन हमारे पास ये है बी। तो अगर ए डेटा सेंड कर रही है बी को हाफ डुप्लेक्स मोड में, तो ए सेंड करेगी उस टाइम पे बी डिवाइस जो है केवल डेटा को रिसीव करेगा। अगर बी सेंड कर रहा है डेटा तो बी सेंड करेगा और ए केवल रिसीव करेगा। 1-to-1 ट्रांसमिशन।
लेकिन फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, हम साइमल्टेनियसली डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकती है एक मशीन और रिसीव भी कर सकती है। जैसे कि हम टेलीफोन में बात करते हैं, टेलीफोन में बात करते हो, वो फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। वॉकी टॉकीज होते थे, वो हमारे हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल थे। स्विच सपोर्ट करता है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, दैट इज कम्युनिकेशन इन द चैनल अकर इन बोथ द डायरेक्शन एट द सेम टाइम, दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन सेम टाइम पे हो सकता है। ड्यू टू दिस कोलिजन डज नॉट अकर, जिसके कारण कोलिजन नहीं होता। स्विच कैन परफॉर्म सम एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा टू द डेस्टिनेशन पोर्ट। स्विचेस मोर इंटेलिजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो ये एरर चेकिंग भी कर लेते हैं डेटा को सेंड करने से पहले या फॉरवर्ड करने से पहले डेस्टिनेशन पोर्ट में। नंबर ऑफ पोर्ट इन स्विच इज लार्ज, हब में 7 या 8 पोर्ट ही होते हैं, लेकिन स्विचेस में ज्यादा नंबर ऑफ पोर्ट होते हैं, 24 to 28। हम इतने डिवाइसेस को या लैन सेगमेंट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं स्विच की हेल्प से। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है हमारा राउटर, और ये बहुत ही स्मार्ट डिवाइस, मोस्ट इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर वर्क करता है थर्ड लेयर में OSI मॉडल की। थर्ड लेयर कौन सी है? नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। द राउटर इज ए इंटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज डिजाइन टू रिसीव एनालाइज एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डिवाइस को रिसीव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए जो हम डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं राउटर। राउटर क्या करता है, सबसे पहले जो भी डेटा पैकेट रिसीव करता है उसके आईपी एड्रेस को चेक करता है, क्योंकि ये एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है। ये आईपी एड्रेस लिखा होता है हमारे डेटा पैकेट के हेडर में, और उसके बाद राउटर एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। उस राउटिंग टेबल में सारी इंफॉर्मेशन होती है, इस टाइप का एक टेबल मेंटेन करता है राउटर। सोर्स एड्रेस दिया होगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस दिया होगा, और यहाँ पे उसके मल्टीपल पाथ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो राउटर क्या करता है, एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, और उस राउटिंग टेबल के बेस पे ही वो बेस्ट पाथ सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में फाइंड आउट करता है। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइस हैं, ये आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, मैश टोपोलॉजी की हेल्प से या डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज की हेल्प से। ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। तो राउटर क्या करेगा, जो डेटा पैकेट उसको रिसीव होगा उसके आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करेगा। ये आईपी एड्रेस लिखा होगा पैकेट के हेडर में, और वो अपने राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा या अपडेट करेगा, और डेटा को किस डेस्टिनेशन में सेंड करना है उसके लिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है उसको फाइंड करेगा और डेटा को सेंड कर देगा। जैसे आप देखते हो ना गूगल मैप, जब आप ट्रेवल करते हो कहीं पे, या कार में जा रहे होते हो या कैब में जा रहे होते हो, तो क्या होता है, आप गूगल मैप से बेस्ट पॉसिबल रूट जो है वो फाइंड आउट करके आपको गूगल मैप बताता है। अगर एक डेस्टिनेशन में जाने के 4 रास्ते हैं तो गूगल मैप क्या करेगा, जो बेस्ट और कम क्राउडेड, कम ट्रैफिक वाला रास्ता है वो आपको बताएगा। तो इसी तरह राउटर भी क्या करता है, एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, और उस टेबल की हेल्प से जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है डेस्टिनेशन तक जाने का वो बताता है और डेटा पैकेट को सेंड करता है। ये सारी चीजें करने के लिए राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करता है टू ट्रांसफर द डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। और राउटर की हेल्प से हम मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, राउटर की हेल्प से हमने एक ये लैन कनेक्ट किया, दूसरा लैन, हम मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट में, लेकिन सारे नेटवर्क फॉलो करने चाहिए सेम प्रोटोकॉल को। मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को हम कनेक्ट नहीं कर सकते राउटर की हेल्प से। तो यहाँ पे यही लिखा है, राउटर नॉर्मली कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर हैविंग सेम प्रोटोकॉल। ऐसे मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है राउटर जो सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। और प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल्स आर बेसिकली द रूल एंड रेगुलेशंस। जो रूल और रेगुलेशन गवर्न होते हैं डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, अगर वो सेम है तो उन स्मॉल स्मॉल नेटवर्क को हम आपस में कनेक्ट करते हैं राउटर की हेल्प से।
राउटर कनेक्ट एटलीस्ट टू नेटवर्क, टू लैन, टू वैन टुगेदर, फॉलो द सेम प्रोटोकॉल. राउटर कम से कम दो नेटवर्क को, जैसे दो लैन या दो वैन या एक लैन और एक वैन जो है उनको कनेक्ट करता है, लेकिन वो फॉलो करने चाहिए सेम प्रोटोकॉल. इसीलिए राउटर ज्यादा एक्सपेंसिव होता है हमारे रिपीटर, हब और स्विचेस से, क्योंकि ये हमारे एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस की तरह वर्क करते हैं और हब और स्विचेस हमारे नेटवर्क डिवाइस की तरह वर्क करते हैं. अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हब, स्विच और राउटर में डिफरेंस बताइए, तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट वाइज डिफरेंस बताए हैं हब, स्विच और राउटर के बीच में. हब इज अ फिजिकल लेयर डिवाइस. हब एक फिजिकल लेयर डिवाइस है, यानी हब ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर में ऑपरेट करता है. स्विचेस ऑपरेट करते हैं ओएसआई मॉडल की सेकेंड लेयर में, यानी ये एक डेटा लिंक लेयर डिवाइस है. और राउटर हमारे ऑपरेट करते हैं थर्ड लेयर में ओएसआई मॉडल की, यानी ये एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है. ये बेसिक डिफरेंस है. नेक्स्ट है, हब वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. हब डेटा को ब्रॉडकास्ट करते हैं. स्विचेस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस. स्विच क्या करते हैं, मैक एड्रेस की हेल्प से डेटा को रिसीव करते हैं. उस डेटा पैकेट का जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस है, यानी मैक एड्रेस, उसको फाइंड करते हैं और डेटा को उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में सेंड करते हैं. राउटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस, क्योंकि ये एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है, इसीलिए राउटर आईपी एड्रेस का यूज करता है. और राउटर का यूज किया जाता है मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, एटलीस्ट टू लैन या टू वैन को आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क से, जिनके सेम प्रोटोकॉल हो. नेक्स्ट है, हब सेंड डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट. हब जो है वो बिट के फॉर्म में डेटा सेंड करता है. स्विचेस जो है वो फ्रेम के फॉर्म में डेटा सेंड करते हैं और राउटर पैकेट्स के फॉर्म में डेटा सेंड करता है. नेक्स्ट है, हब इज नॉट अ इंटेलिजेंट डिवाइस. हब कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, बिल्कुल रिपीटर की तरह है. रिपीटर में अगर एम्पलीफायर लगा दो तो हब बन जाएगा. स्विचेस आर द इंटेलिजेंट डिवाइस एज कम्पेयर टू हब. स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस की तरह वर्क करते हैं हमारे हब के कंपैरिजन में. ये फिल्टरिंग करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं डेटा पैकेट को. राउटर जो होते हैं जो मोर इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं, ये ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं. ये आईपी एड्रेस रीड करते हैं और डायरेक्ट करते हैं, यानी सेंड करते हैं डेटा पैकेट को दूसरे नेटवर्क में एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के साथ. और उसके साथ साथ राउटर जो है वो राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं और जो बेस्ट रूट होता है डेटा को डेस्टिनेशन तक सेंड करने का, उसको फाइंड आउट करके डेटा को बेस्ट रूट से सेंड करते हैं. तो राउटर ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस हुए. ये दोनों नेटवर्किंग डिवाइस हैं और ये इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है. सिक्स्थ हुआ, एटलीस्ट सिंगल नेटवर्क इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट. हब एक लैन डिवाइस है, एक सिंगल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हब का यूज करते हैं. स्विच भी एक लैन डिवाइस है, उसका यूज भी सिंगल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए करते हैं. जबकि राउटर जो है वो इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है. हब एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को हम राउटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. हब इज चीपर एज कम्पेयर टू स्विच एंड राउटर. हब जो है वो चीप होता है स्विच और राउटर से. स्विचेस इज एक्सपेंसिव डिवाइस देन हब. स्विचेस हब से एक्सपेंसिव होते हैं. राउटर इज मोर एक्सपेंसिव देन हब एंड स्विचेस. राउटर जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है हब और स्विच से. तो ये सारे बेसिक डिफरेंस थे हब, स्विच और राउटर में. अब अगर आपसे कोई पूछता है कि और कौन कौन से डिवाइस हमारे इंटरनेटवर्किंग डिवाइस की तरह यूज किए जाते हैं, जिनके थ्रू हम डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो है आपके ब्रिज और गेटवे. तो सबसे पहले अपन ब्रिज देख लेते हैं. ए ब्रिज इज वन ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क और नेटवर्क सेगमेंट एंड क्रिएट अ सिंगल नेटवर्क. बेसिकली ब्रिज का यूज किया जाता है दो या दो से ज्यादा लैंस को कनेक्ट करने के और एक सिंगल लैन क्रिएट करने के लिए. मतलब लैन के साइज को इंक्रीज करने के लिए हम कह सकते हैं कि ब्रिज का यूज करते हैं. और ब्रिज केवल उन लैन को कनेक्ट करता है आपस में जो सेम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं. मतलब हम केवल दो ऐसे नेटवर्क को ही आपस में कनेक्ट कर सकते हैं जो सेम प्रोटोकॉल का यूज करें ब्रिज की हेल्प से. यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक वायरलेस लैन है,
ये एक वायरलेस लैन है, इन दोनों अगर सेम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही हैं तो हम ब्रिज की हेल्प से इनको आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल लैन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, उस लैन के नेटवर्क के रेंज को एक्सटेंड कर दिया, एक बिग लैन जो है वो क्रिएट की दो स्मॉल स्मॉल लैन को ज्वाइन करके। इसके अलावा ब्रिज के फंक्शंस हैं फिल्टर डेटा ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम ब्रिज करता है। ब्रिज रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन अ लैन बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू सेगमेंट। अगर मान लीजिए हमारे पास एक बिग लैन है जिसमें बहुत सारे डिवाइस हैं, बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं और उसमें डेटा ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, तो डेटा ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए ब्रिज क्या करता है, एक लैन को दो लैन सेगमेंट में डिवाइड करके इस तरीके से कनेक्ट कर लेता है, ज्वाइन कर देता है। नेक्स्ट, ए ब्रिज आर द इंटेलिजेंट डिवाइस। ब्रिज हमारा एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है एज कंपेयर टू हब। हब और ब्रिज में डिफरेंस ये है कि लाइक अ हब मॉडर्न ब्रिज हैज मल्टीपल पोर्ट। अगर हम हब और ब्रिज को कंपेयर करें तो जैसे हब में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं वैसे ही ब्रिज में भी मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम मल्टीपल लेंथ सेगमेंट्स को या मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अनलाइक एन हब द ब्रिज एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस। हब क्या करता है, डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है बिना डेस्टिनेशन एड्रेस फाइंड आउट किए, लेकिन ब्रिज क्या करता है, ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है इसीलिए ब्रिज जो भी डेटा पैकेट उसको रिसीव होता है उसमें से डेस्टिनेशन का एड्रेस एक्सट्रैक्ट करता है यानी फाइंड आउट करता है, उसके बाद उस डेटा पैकेट को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में ही सेंड करता है। यानी ब्रिज केवल डेटा पैकेट को उसी पोर्ट में सेंड करेगा जिसका एड्रेस उस फ्रेम में लिखा हुआ है। तो मेन फंक्शन हो गए ब्रिज के फिल्टरिंग, फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉकिंग द डेटा पैकेट। मान लीजिए हमारे पास ये ब्रिज है, ब्रिज में दो सेगमेंट है, लेन सेगमेंट है ए और बी। तो ब्रिज सबसे पहले क्या करेगा, ए सेगमेंट के जितने भी डेटा पैकेट है उनको रिसीव कर लेगा, बी के भी सारे डेटा पैकेट रिसीव करेगा। उसके बाद कौन से डेटा पैकेट उसको फॉरवर्ड करने हैं, कौन से उसको डिस्कार्ड करने हैं, तो फिल्टरिंग करेगा डेटा पैकेट की। उसके बाद जो भी डेटा पैकेट उसको सेंड करने हैं उनके डेस्टिनेशन एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा फ्रेम के हेडर से और एक लुकअप टेबल फॉर्म करेगा। उस लुकअप टेबल की हेल्प से वो उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में सेंड कर देगा। ऐसा वो लैन ए के लिए भी करेगा और लैन बी के लिए भी करेगा। तो फिल्टरिंग, फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉकिंग आर द मेन फंक्शन ऑफ ब्रिज। नेक्स्ट और लास्ट नेटवर्किंग डिवाइस है हमारा गेटवे। गेटवे इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल टुगेदर। गेटवे एक ऐसा इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है दो या दो से ज्यादा ऐसे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिन जो डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसीलिए गेटवे को हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क से डेटा रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट करके दूसरे प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क में सेंड करता है। गेटवे ऑपरेट करता है ऑलमोस्ट ऑल द लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। कोई भी लेयर हो ओएसआई मॉडल की उसमें ऑपरेट करने के लिए कंफर्टेबल होता है हमारा गेटवे। तो ये तीन चार पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेटवे के लिए। अब गेटवे के फीचर्स यहाँ दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया कि गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो दो या दो से ज्यादा ऐसे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है जिनके डिफरेंट प्रोटोकॉल है। गेटवे इज लोकेटेड एट द बाउंड्री ऑफ द नेटवर्क एंड मैनेज ऑल द डेटा दैट इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम द नेटवर्क। गेटवे हमारे नेटवर्क की बाउंड्री में लगा होता है और नेटवर्क से जाने वाले और आने वाले दोनों ट्रैफिक को कंट्रोल करने का और मैनेज करने का काम गेटवे करता है। इन फॉर्म अ पैसेज बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क ऑपरेटिंग विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। गेटवे हमारा ऐसे दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है जिनके ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल डिफरेंट है। गेटवे ऑपरेट एज अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर। गेटवे हमारा इसीलिए प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह भी काम करता है क्योंकि वो कॉम्पेटिबिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा को सेंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क में। द फीचर दैट डिफ्रेंशिएट ए गेटवे फ्रॉम अदर डिवाइस इज दैट इट कैन ऑपरेट एट एनी लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल।
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो गेटवे को अदर डिवाइस से डिफ्रेंशिएट करता है, वो है कि गेटवे किसी भी लेयर में OSI मॉडल की ऑपरेट करता है। इट ऑल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द रूटिंग पाथ ऑफ द कम्युनिकेटिंग नेटवर्क। गेटवे क्या करता है, एक लुकअप टेबल टाइप का टेबल मेंटेन करता है, उसमें जितनी भी हमारी रूटिंग इंफॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करता है। नेक्स्ट, इट यूज पैकेट स्विचिंग टेक्निक टू ट्रांसमिट डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। गेटवे पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू गेटवे। तो ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हो। इसके अलावा मैंने डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे वीडियो पहले भी अपलोड किए हैं, तो उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मैंने बहुत सारे MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ भी अपने चैनल पर अपलोड की है, तो वो भी आप देखिएगा। Stay continue, keep watching, keep supporting and keep sharing my videos with your friends.